जिस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए HTML में लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, लिस्ट आइटम किस तरीके से रेडी किए जाते हैं, बेसिकली वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर, आज की जो वीडियो है हमारी, वो वीडियो हमारे लिस्ट आइटम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाया HTML, HTML के बाद लगाया हेड, हेड के अंदर आपने लगाया टाइटल, और टाइटल में आप यहाँ पर मैंने मान लीजिए डाल दिया लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया जो मेरी वेबसाइट के फ्रंट में टाइटल एरिया पे आएगा। तो ये हमारा टाइटल हो गया क्लोज। टाइटल क्लोज करने के बाद अब हेड को भी कर देंगे क्लोज, एंड अब स्टार्ट करेंगे हम बॉडी टैग, बॉडी एलिमेंट, क्योंकि अब हमें वो सारी चीजें टाइप करनी है यहाँ पर जो हम अपने वेब पेज में चाहते हैं प्रिंट करके देखना, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे लिस्ट बनानी, तो सबसे पहले मैं लिस्ट का कोई एक टाइटल अच्छा सा मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। तो उस टाइटल के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ फॉन्ट का भी आप यूज कर सकते हो, आप H1 टैग का भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टॉक आइटम, या ये हमारी हेडिंग को ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ अपने लिस्ट में पेस्ट कर देती हूँ, और H1 को कर दिया हमने क्लोज। अब आपको लिस्ट रेडी करनी है, तो लिस्ट रेडी करने के लिए हमारे पास दो टाइप के लिस्ट आइटम्स होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसको हम OL के नाम से जानते हैं, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम UL के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करती हूँ, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट हमारी बनकर आती है उसमें एक ऑर्डर होता है, लाइक ABC, ठीक है, लाइक ABC इस फॉर्मेट में, स्मॉल और कैपिटल में, लाइक 1, 2, 3 आपको मिलेगा, लाइक रोमन में आपको 1, 2, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये सारे ऑप्शन आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है मिलते हैं, ठीक है। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्क्वायर मिलेगा, एक आपको सर्कल मिलेगा, एक आपको डिस्क मिलेगा। तो ये डिजाइन बनकर आएगा हमारे लिस्ट आइटम के सामने, ठीक है। तो ये चलिए अभी मैं हटा देती हूँ, और सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाकर आपको लिखना है टाइप, और टाइप में आपको अपना ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप बताना है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया कैपिटल में A, तो मेरी लिस्ट का जो टाइप होगा वो ये होगा। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो इसका एट्रीब्यूट है जिसको हम स्टार्ट बोलते हैं। स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हो, 1 से, यानी कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग होगी वो ABC से ही शुरू होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 या 3 लिख दूं, तो अल्फाबेटिकली 2 और 3 नंबर पे जो भी अल्फाबेट आता है आपकी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने 1 दिया क्योंकि मुझे A से स्टार्ट करना है। अब जो लिस्ट पहली आएगी उसमें मैंने लिखने हैं, उसका जो टाइटल है वो क्या देना है आपको, तो मैंने डाल दिया वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। एंड यहाँ पर आप OL लिस्ट को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर OL लिस्ट क्लोज कर दिया तो आप मान लीजिए वेजिटेबल के बाद मुझे फ्रूट्स भी लिखना है, मैं चाहती हूँ B में फ्रूट्स आए, A में आ जाए वेजिटेबल, B में आ जाए फ्रूट्स, तो इसके लिए OL टाइप ओपन रहेगा, क्लोज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ये ओपन ही छोड़ देंगे हम, लेकिन अब आपको यहाँ पर दोबारा से एक लिस्ट आइटम ओपन करना है, बट मैं OL की जगह आपको UL बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो UL भी आप यूज कर सकते हैं और OL भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने UL लगाया, एंड UL को स्मॉल और कैपिटल कैसे भी आप लिख सकते हैं, HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो UL के टाइप में मैंने यहाँ पर लगा दिया सर्कल, ठीक है, ये लगा दिया मैंने सर्कल, एंड इसका कोई स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है लाइक बुलेट्स, अगर आपने कभी बुलेटेड लिस्ट में कभी टाइप किया हो, ठीक है, तो हम लिस्ट बनाते हैं, कभी स्टार बनाते थे, कभी डॉट बना देते हैं, तो उसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती क्योंकि सिंबल सारे सेम होते हैं। अब ये UL जो आएगा, UL के अंदर मुझे यहाँ पर जो सिस्टम स्टार्ट करना है उसमें मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के आइटम्स में हमें लिखने हैं। तो लिस्ट आइटम्स लिखने के लिए हम LI का जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पर डालेंगे, इसको यूज करेंगे। अब आपको अपने वेजिटेबल्स के नाम लिखने शुरू करने हैं, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल नेम्स यहाँ पे डाल दिए, पहले डाल दिया अनियन, LI को आप कर देंगे क्लोज, LI क्लोज करना है यहाँ पे, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई
तो आपका कोडिंग में एरर जो है वो बता देगा। दूसरा मैंने आइटम ले लिया पोटैटो, ठीक है, दूसरा मैंने आइटम ले लिया पोटैटो एंड इसको कर दिया मैंने क्लोज। इसी तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसकी जगह पर आप स्टॉक का नाम जो है, आपका वेजिटेबल का नाम जो है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने डाल दिया गार्लिक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया कैरेट, ठीक है। और एक लिस्ट आइटम हम और बना लेते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट हम और बना लेते हैं वेजिटेबल की, और लास्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं कुकुम्बर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लिस्ट ऑफ हमारे वेजिटेबल्स। अब मान लीजिए आपको लगता है कि वेजिटेबल की लिस्ट आप क्रिएट कर चुके हैं, तो अब आपको वेजिटेबल लिस्ट जो हमारी इसके अंदर चल रही थी यूएल के अंदर, यूएल की वजह से ही ये 1, 2, 3, 4 लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो पाए हैं। तो इस लिस्ट आइटम के बाद यूएल को आप क्लोज भी करेंगे। अब मैं पहले आपको इतना ही प्रीव्यू दिखा देती हूँ कि इससे हमें कोई कोडिंग में हमारे एरर या प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो फाइल में जाके हम सेव करेंगे अपनी फाइल को, अब उसी लोकेशन पे सेव करेंगे जहां आप अपनी सारी फाइल सेव करते आए हैं। तो मैंने ये डाल दिया, ये मेरी क्लास नंबर 4 है, क्लास 4.html, ठीक है। और चाहे आप क्लास 4 के आगे आप लिस्ट आइटम भी लिख सकते हो, लिस्ट आइटम्स, एंड आपको ध्यान रखना है कि डॉट के साथ कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे हम ऑल फाइल्स और अपनी फाइल को कर देंगे यहाँ से हम सेव। अब फाइल को सेव करने के बाद अब आपको अपनी लिस्ट को चेक करना है अगर कि हमारी फाइल किस तरीके की आउटपुट दे रहा है, तो इसके लिए हम अपनी फाइल को ओपन करने के लिए जाएंगे, और उसी फोल्डर पे आप ओपन करने के लिए जाएंगे जिस फोल्डर में जाके आपने अपनी फाइल को सेव किया था। तो मैंने क्लासेस यहाँ पे सेव किया था, ठीक है, और हमारी फाइल का नाम था लिस्ट आइटम क्लास 4। तो इसको आप देख सकते हैं, ब्राउजर का साइन ले लिया उसने गूगल क्रोम का। तो इस फाइल को डायरेक्टली आप ओपन भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या राइट क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो हमने अपने वेब पेज का टाइटल यहाँ पे दिया था, ठीक है, वेब पेज का टाइटल हमने यहाँ पे दिया था लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। और यहाँ पे मैंने H1 में, मैं कोडिंग के साथ आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे साथ साथ देखते रहिए कि किस तरीके का आउट इनपुट हमने दिया था, कैसा आउटपुट हमें नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा टाइटल था जो कि पेज के ऊपर यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जो हमने हेड एरिया में डाला था, एंड बॉडी के अंदर H1 में जो लिस्ट हमने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम टाइटल दिया था, ये वो हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है। इसके बाद हमने वेजिटेबल्स लिखा था, तो ये वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर वेजिटेबल में। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पर वेजिटेबल में ए जो है नहीं आया, एंड कुछ जगह पर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। प्रॉब्लम ये हुई है कि स्टार्टिंग में ही पोटैटो में ये क्लोज कर दिया है मैंने, इसलिए यहाँ पर जो हमारा लिस्ट आइटम है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। प्लस यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल लिखा है उसके आगे भी ए नहीं आ रहा है, क्योंकि वेजिटेबल का जो यूएल टाइप मैंने ए स्टार्ट किया था, तो वेजिटेबल भी एक तरीके का लिस्ट आइटम ही है। तो इसके लिए भी मुझे li का टैग यहाँ पर लगाना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया। तो अभी हम इसी को अपडेट करके यहीं के यहीं इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये अपडेट कर दिया, और इसको सेव करते के बाद अपनी फाइल पे रिफ्रेश करेंगे। और जैसे ही आपने रिफ्रेश किया, मैं आपको इसको और थोड़ा जूम करके दिखाती, रिफ्रेश करते ही आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में ए में वेजिटेबल्स आ रहे हैं। वेजिटेबल में अनियन, पोटैटो, गार्लिक, कैरेट, कुकुम्बर, ये सारे स्टॉक जो है आपको वेजिटेबल नेम्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल हमने सिंगल हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के बाद मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मल्टीपल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम की, वो आपको बताने वाली हूँ। तो स्टॉक आइटम की मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स वाला काम फिनिश हो गया है। अब आपको यहाँ पे काम करना है जिसमें हम बनाएंगे फ्रूट्स। मान लीजिए मैं इतना डेटा कॉपी कर लेती हूँ, मैंने इतना डेटा कॉपी इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नजर आएंगे जिसके अंदर आप यहाँ पर स्टॉक आइटम दूसरा जो हमारा फ्रूट्स का है वो हम डाल सकते हैं। तो आपको ओएल टाइप ए स्टार्ट 1
लिस्ट आइटम में आपको वेजिटेबल्स की जगह यहाँ पे लेना है फ्रूट, ठीक है? तो मैंने डाल दिया फ्रूट्स, ठीक है, ये डाल दिया फ्रूट्स, एंड ये भी ओएल में ही चलेगा। और आपको ये लिखने की वैसे यहाँ पर कोई नीड नहीं है, अगर मैं ये लिखती भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऊपर क्लोज नहीं किया है ओएल टाइप को, तो मुझे ये इसको लिखने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको इसको डायरेक्ट सेव करके दिखा देती हूँ कि इससे हमारा क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने वहां पे टाइप किया है और टाइप करके उसको सेव किया। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ, तो ए आ रहा है वेजिटेबल, बी में आ रहा है फ्रूट्स। ये इसलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि मैंने लिस्ट जो हमने यहाँ पर ओएल टाइप शुरू किया था, ओएल टाइप को मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया है कहीं भी। मैंने यूएल ओपन किया था, यूएल को क्लोज कर दिया क्योंकि उसकी लिस्ट मैं रेडी कर चुकी थी। अब वापस से मैंने यूएल क्रिएट किया एंड यूएल के अंदर आपको टाइप भी देना है अगर, तो आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं, या अगर आप सिंपली कुछ लिखना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रूट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ्रूट में भी दो लिस्ट बनानी है। मैं यूएल टाइप के अंदर यहाँ पे मैं देने वाली हूँ डिस्क, ठीक है, ये दे दिया मैंने डिस्क, एंड यहाँ पर इसका एल आई जो लिस्ट आइटम मैं बनाने वाली हूँ वो लिस्ट आइटम मेरा होगा यहाँ पर, जिसमें मैं यहाँ पे समर वाले जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस एल आई को यहाँ पर कर दिया है क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे यूएल को आप क्लोज कर सकते हैं, ये जो यूएल आपने स्टार्ट किया ये क्लोज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिस्ट आइटम्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी, इसको अभी क्लोज में नहीं करूंगी। अब मैंने क्या किया, समर तो मैंने डाल दिया, फ्रूट्स कौन से समर वाले फ्रूट्स, ठीक है। अब दोबारा से मैं यहाँ पे ओएल टाइप ओएल स्टार्ट कर रही हूँ, ओएल का जो टाइप मेरा होगा इस बार वो मेरा होगा मान लीजिए वन, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, ओएल का टाइप होगा वन। ओएल का जो लिस्ट आइटम होंगे, ओएल के जो लिस्ट आइटम होंगे उसमें मैं फ्रूट्स डालूंगी। यहाँ पर मान लीजिए मैंने डाल दिया मैंगो, ठीक है, एल आई को मैंने कर दिया क्लोज। इसी तरीके से आपको जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उनको इसी तरीके से आप फॉलो करोगे। और मैंने क्या करना है कि मैं चाहती थी कि जो फ्रूट्स की लिस्ट आ रही है उसमें अलग से एक समर का है, समर के अंदर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी एक लिस्ट आ जाए। तो ये जो आपने ओएल टाइप शुरू किया था जिसमें आपने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई थी, इस ओएल टाइप को यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। ओएल को मैंने कर दिया है क्लोज। ओएल क्लोज होने से इतना काम आपका फिनिश हो चुका है जिसमें अभी समर का लिस्ट अभी भी चल रहा है। तो अगर समर का लिस्ट आप क्लोज करना चाहते हैं तो समर का लिस्ट आप क्लोज कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको क्लोज नहीं करूंगी। तो मैं वापस जाती हूँ और इसको आपको दोबारा से ओपन करके दिखाती हूँ कि अब हमारी फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल को रिफ्रेश कर रही हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये हो गया फ्रूट, फ्रूट के अंदर समर, समर में आने वाले फ्रूट्स, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने बुलेट डाला था, बुलेट में मैंने डाला था डिस्क। तो ये डिस्क जो है के की जगह हम यहाँ पर सी लगाएंगे, के की जगह आप डिस्क में सी लगाएंगे एंड इस फाइल को करेंगे यहाँ से सेव। एंड अपनी फाइल पे हम वापस जाएंगे जिसका हम आउटपुट देख रहे थे, और उसके आउटपुट में आपको जाकर ये चेक करना है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं क्या वो हमारी फाइल में चेंजेस अवेलेबल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं DISC लगाएंगे अगर आप, तो ये डिस्क लेगा, और ये डिस्क इस तरीके से आ गया, ये सर्कल है, ये फिल के साथ आएगा तो ये डिस्क होगा, और एक और हम लगा सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वापस से अपने कोडिंग में पहुंच जाती हूँ और उसके अंदर लास्ट हमें एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करना है, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है ओएल तो क्लोज कर दिया था, समर वाला लिस्ट मैं अभी क्लोज नहीं करूंगी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ जाके मैं पेस्ट करूंगी। अभी जो लिस्ट हमारी एक्टिव है वो ये यूएल वाली डिस्क वाली लिस्ट एक्टिव है, जिसमें हम समर की जगह यहाँ पर अब डालने वाले हैं विंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विंटर का भी यहाँ पे फ्रूट्स की डिटेल के लिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंटर के लिए। अब इसमें भी एक काम करना है, विंटर में जो लिस्ट आएगी उसके लिए भी मैं ओएल टाइप जो है दोबारा से क्रिएट करूँ। इस बार मैं स्क्वायर डाल देती हूँ, या इस बार भी हम डिस्क के साथ ही चलते हैं, हमारी लिस्ट जो है थोड़ी सी अलग हो जाएगी वरना, ठीक है। अब वापस से मैंने क्या किया,
li लगाया, li हम एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले डेटा का भी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें फ्रूट्स के नाम जो है बदलने हैं, तो इसकी मैंगो की जगह आ गया है हमारा एप्पल, ठीक। एंड ये जो लिस्ट हमने स्टार्ट करी है यहाँ पर डिस्क वाली, अब इस ओएल को यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। ओएल क्लोज हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने स्टार्ट की थी फ्रूट्स के नाम देने के लिए विंटर वाले, तो विंटर के जो यूएल हमारा ओएल टाइप था, सॉरी ये यूएल टाइप है, तो आपको यूएल टाइप लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे यूएल जो है पहले बंद हो जाएगा, तो ये यूएल क्लोज हो गया। अब आपको ये जो आप विंटर और ये जो समर की डिटेल लिख रहे थे जिस लिस्ट आइटम के अंदर, जो कि हमारा यूएल टाइप था डिस्क, इसको भी अब आपको क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको भी हमने यहाँ पर जो है क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर यूएल जो है आप क्लोज कर देंगे। एंड हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर जो डिस्क मैंने दिया था, इस डिस्क की जगह मुझे यहाँ पे देना था वन, जो कि मेरा ओएल टाइप ही था, क्योंकि जैसे आपने समर के फ्रूट्स की डिटेल यहाँ पे डाली है ओएल टाइप वन के अंदर, ऐसे ही मैं चाहती हूँ विंटर के जो फ्रूट्स हैं उनकी डिटेल भी 1, 2, 3 में ही आए, तो इस तरीके से आपको इसको चेंज करके चलना है। तो पहले क्लोज होगा आपका ओएल, फिर क्लोज होगा आपका यूएल। एंड इसके अलावा सबसे ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पर, जब हमने फ्रूट्स स्टार्ट किया था, तो फ्रूट्स स्टार्ट करते वक्त हमने यहाँ पर जो है वेजिटेबल, बेसिकली वेजिटेबल स्टार्ट करते वक्त हमने यहाँ पर एक ऑप्शन स्टार्ट किया था, एक लिस्ट आइटम स्टार्ट किया था, जो कि था हमारा ओएल टाइप, स्टार्ट ए से था, जिसमें वेजिटेबल लिखा था पहली लिस्ट आइटम थी और दूसरी लिस्ट आइटम थी हमारी फ्रूट। तो अब इस ओएल को भी आपको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, तो ये ओएल भी मैंने क्लोज कर दिया। एंड फिर बॉडी क्लोज करेंगे एंड HTML को क्लोज कर देंगे। अब मैंने इसको फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, या आप फाइल में जाकर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। एंड अपनी फाइल पे जाकर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स नजर आ रहे हैं, ए में वेजिटेबल, वेजिटेबल की लिस्ट, बी में फ्रूट, फ्रूट्स के अंदर समर, समर में आने वाले फ्रूट्स, एंड इसके नीचे ठीक नीचे विंटर, विंटर में आने वाले फ्रूट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने इस तरीके से ओएल एंड यूएल दोनों लिस्ट ऑफ टाइप को यूज किया, प्लस सिंपल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, उसको किस तरीके से क्रिएट किया है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल सर्वशिक्षा अकेडमी के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।